आज हमारे पास कुछ कमेंट पहुंचे हैं जिनको हम धीरे धीरे से रीड करेंगे। सामने आप कमेंट दे सकते हो। ये है गोस्वामी का गोस्वामी। दोस्तों ये वो वाला गोस्वामी नहीं है, सुमित गोस्वामी जिसने ये वाला गाना गाया था। इशारे तेरी करती निगाह आवे दूर मेरे चले से हवा। ये हमारे शायद कोई और भाई है गोस्वामी। भैया मेरी नाभि 5 साल से हटी हुई है, दिन में 5 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, भैया नाभि कैसे ठीक होगी? तो भैया मैं आपको अभी बताता हूँ। जो अगला कमेंट है वो है बलवान सिंह। भाई जी मेरी नाभि हर दिन डिग जाती है, मैंने बहुत जगह जाकर ठीक करवाई है, नाभि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 घंटे तक रुक पाती है, उसके बाद फिर हट जाती है। तो इन दोनों भाइयों की जो समस्या है वो बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है। तो गोस्वामी जी मैं आपको बताता हूँ, आपकी जितनी भी पुरानी समस्या है उसे भूल जाइए, आपने हमारा दही वाला नुस्खा लेना है, इससे आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दूसरा है बलवान सिंह जी। बलवान सिंह जी आप जो बोल रहे हो कि आपने बहुत जगह से नाभि अपनी दिखाई है, वो कम से कम 2 घंटे के लिए ठीक रहती है, उसके बाद फिर से हट जाती है। तो भाई मैं तो यही बताता हूँ कि आप अब मुझे कितने भाई बहन कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई अपना एड्रेस दो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, नाभि ठीक करवाना चाहता हूँ। तो भाई ऐसे आने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो नाभि आपकी ठीक कर आपको भेज दूंगा, लेकिन जाते जाते आपकी नाभि फिर हिल जाएगी, उसका कोई भी फायदा नहीं है। जो फायदा लेना है वो हमने घर पर ही लेना है और अपने आप लेना है, ठीक है। तो आज एक भाई का मुझे फोन आया था, वो बोल रहा था कि मुझे कॉल करने से पहले उसने किसी और बंदे को कॉल की और उस बंदे ने उसे बताया कि आपकी नाभि की प्रॉब्लम जो है वो ठीक तो हो जाएगी, लेकिन 900 रुपये हमारी फीस है आपकी नाभि ठीक करने के लिए। तो भाई देखो पैसे तो हम आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर लिए हैं, अब घर पर बैठकर इसका इलाज कर लो। बहुत भाई बहनों की जो समस्या है 20 से 30 साल पुरानी वो ठीक हो रही है, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना है, दही वाला नुस्खा लेना शुरू करो, गर्म चीज़ें बंद कर दो, ठंडी चीज़ें खाओ, आपकी नाभि जो सेंटर में आकर पकनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो दही वाला नुस्खा है इससे वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। अगला जो कमेंट है, और दोस्तों जो अगला कमेंट है वो है कबीर। थैंक यू सो मच वीरे, सच्ची रात की तड़फन लगी हुई सी, इन्ना रिलैक्स फील होया, रब मेहर करे। तो दोस्तों इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने हमारा कौन सा तरीका यूज़ किया जो इनको रातों रात फर्क पड़ गया, ठीक है। हो सकता है इन्होंने शायद एक्वाप्रेशर किया हो और मैंने एकदम से जो नाभि उठाने कौड़ी उठाने के भी वीडियो बनाई है, हो सकता है इन्होंने वो किया हो, और ये भी हो सकता है कि इन्होंने दही वाला नुस्खा लिया हो उससे इनको फर्क पड़ गया, तो बहुत अच्छी बात है। अगला कमेंट है वो है के सुपर कौर। थैंक यू सो मच, 5 मिनट में सेट हो गया, बीरे बेस्ट या। तो ये के सुपर कौर हमें कमेंट करके ये बताती हैं कि इन्होंने हमारा एक जो ट्रिक हमने बताया था कि जो हमारी जो कौड़ी है अगर वो नीचे गिर गई है तो उसे हमने 1-2 मिनट में कैसे ठीक करना है, तो इन्होंने वो वाली ट्रिक इस्तेमाल की और इनको 5 मिनट के अंदर अंदर ही इनकी जो कौड़ी की समस्या वो ठीक हो गई है, ठीक है। दोस्तों जो अगला कमेंट है वो है सत्यम जैन जो हमें लिखते हैं कि सर आई एम योर सब्सक्राइबर, प्लीज़ मुझे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन दे दो, मुझे नाभि की प्रॉब्लम है, मैं योगा भी कर रहा हूँ और आपका बताया दही वाला नुस्खा भी ले रहा हूँ। कभी तो हैंड की रेखा सही आती है और भूख भी लगती है, लेकिन जब अल्टी पल्टी मारकर बैठता हूँ तो दोबारा ऊपर चली जाती है। बैठते ही हल्का स्टमक में भारीपन हो जाता है और भूख भी नहीं लगती, सर मैं करूँ तो क्या करूँ? सर आपने अपनी नाभि कैसे ठीक करी, कितने दिन में करी और क्या क्या किया उसका एक वीडियो बना दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज सर रिप्लाई मी। तो सत्यम जी देखो ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो नाभि की समस्या है, खाने पीने से रिलेटेड है, जो आपके दर्द होता है वो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो खाना रुकने से वहाँ पर सोज आ जाती है। तो आपने खाना तो हल्का हल्का खाना है लेकिन पेट भरकर खाना है, ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करो सैर करना शुरू करो यार, अपना ना जो लाइफस्टाइल है उसे थोड़ा चेंज करो। बहुत भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि भाई कोई डाइट चार्ट लिख कर दे दो, हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें। लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है, हमने सिर्फ यही देखना है कि हम क्या खाते हैं और जो हमने खाया है वो हमें पच रहा है कि नहीं पच रहा, यही हमारा लाइफस्टाइल है। हमने कब खाना है, कैसा खाना है, कब नहीं खाना। कई बार ऐसा होता है कि सामने चीज़ पड़ी होती है
लेकिन हमें बोलना पड़ता है कि भाई नहीं लेना, ठीक है। यही एक हमारा लाइफस्टाइल है। तो भाई आप दही वाला नुस्खा लो, ठीक है, और आपने ये बोला है कि आप दही वाला नुस्खा ले रहे हो और इसके साथ आप योगा भी कर रहे हो। भाई अगर आपको कौड़ी की समस्या है तो आप योगा छोड़ दो, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा नाभि में। आपको अगर कौड़ी की समस्या है तो योगा छोड़ दो, सिर्फ दही वाला नुस्खा, कतीरा गूंद और शक्कर का पानी लो, इसके साथ आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों जो इसके बाद का कमेंट है वो है सुनीता संधु। लेकिन ये एक लड़के का कमेंट है, सर मेरी नाभि ऊपर की तरफ खिसकी हुई है और पकी हुई है, बहुत पेन होता है, बट मैं जिम भी जाता हूँ, सर प्लीज बताएं कि मैं क्या करूँ, सर 7 या 8 मंथ से ऐसी प्रॉब्लम है। तो भाई आपने नाम नहीं बताया अपना, तो संधु साहब आपने क्या करना है, जिम छोड़ दो भाई। अगर आपको नाभि की समस्या है जिम छोड़ दो, अगर आप इसके साथ जिम जाते रहे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तब इलाज करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। जिम जाना छोड़ दो भाई, क्यों कर रहे हो जिम? जिम जाने के लिए हमें यार एनिमल की तरह खाना पड़ता है, लेकिन कई भाई बहन मेरे जैसे होते हैं और जिम चले जाती हैं, इससे क्या होता है कि उनके पेट में गर्मी पड़ जाती है और नाभि खिसकनी शुरू हो जाती है। तो भाई आप जिम जाना छोड़ दो, दही वाला नुस्खा लो, इसके साथ आपकी जितनी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों जो इसके बाद का कमेंट है वो है हसन जी का, सर मेरे पेट की नसें सीने से होते हुए कमर और कमर के ऊपर है, जिसकी वजह से मेरा पूरा पेट और आंतों में खिंचाव रहता है, खिंचाव की वजह से मेरी नाभि बार बार हट जाती है, तो सर मुझे कोई उपाय बताएं प्लीज, सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। भाई देखो जो हमारी आते कस्ती है, जे मैं आपको बताता हूँ 70% जो भी हमारी आते कस्ती है, हमारा पेट कस जाता है, जो गैस की वजह से होती है, ठीक है। तो गैस का इलाज कर लो, नाभि की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। और भाई आप इतना मत घबराओ कि आपकी जो पेट की नसें हैं सीने से होते हुए कमर और कमर से ऊपर है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ गैस की वजह से है और नाभि थोड़ा इधर उधर टलने की वजह से है। और आपने ये देखना है, अगर आपको कौड़ी की समस्या है तो आपने योगासन कोई नहीं करना, अगर आपको अकेली नाभि की समस्या है तो धनुआसन लगाओ, इससे आपकी नाभि ठीक हो जाएगी, ठीक है। और दही वाला नुस्खा ले लो तो आपकी समस्या है वो सारी ठीक होगी। जो अगला कमेंट है वो हमें आया है प्रदीप का, ये नेपाल से हैं, मेरा पेट दुखता है, 2 महीने हो गए हैं, पेट से आवाज आती है, खाना नहीं पचता, कितना दवाई खाएं आराम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तो प्रदीप जी आप नेपाल से हैं, हमें खुशी होती है जब अलग अलग जगह से हमें कमेंट आते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है आपको पूरा सही तरीके से गाइड करने का। तो प्रदीप जी आपने देखो आपके पेट में ना ज़्यादा गैस बनती है, ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, जो आपके पेट में से आवाज़ आती है वो हमारे ना वायु गोला बन जाता है, जब भी हमें खाना खाते हैं, जब हम खाली पेट भी होते हैं तो हमारे पेट में जो गोला है वो बनना शुरू हो जाता है और उसी की आवाज़ आती रहती है। उस गोले को कैसे निकालना है, कैसे ठीक करना है, पक्की तरह से जड़ से कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए वीडियो मैंने बनाई है। और जो आपने बोला है कि खाना नहीं पचता, इसके लिए आपने हमारा दही वाला नुस्खा है वो लो भाई, इससे आपकी समस्या सारी ठीक हो जाएगी। आप हमारी वीडियो देख सकते हो जो जिसमें हमने बताया है कि दही वाला नुस्खा कैसे बनाना है, कैसे खाना है, ठीक है, और कितने दिन लेना है। और अगर आप वो वाला नुस्खा ट्राई कर लोगे, आपकी जितनी भी समस्या है पेट से संबंधित वो सारी सारी की सारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ कमेंट, बहुत सारे कमेंट हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं आपके सभी कमेंट के रिप्लाई कर सकूं। दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन भी भाई बहनों की नाभि कौड़ी की समस्या IBS की समस्या ठीक हो जाती है, मेरा नंबर तकरीबन हर एक वीडियो में होता है, नहीं आपको मिल रहा तो आप किसी और वीडियो पर देख लेना, और आप मुझे फीडबैक देने के लिए वीडियो भेज दिया करो, जिससे हम अपने चैनल पर वो वीडियो अपलोड कर देंगे और बहुत सारे भाई बहन देख कर वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जब भी आप अपना कमेंट लिखते हो तब आप अपना नाम लिखना है, अपनी उम्र लिखनी है, अपना वजन लिखना है, आपका वजन कितना है और आप किस शहर से हमें कमेंट कर रहे हो, ये भी आप प्लीज़ ज़रूर लिखा करें।